भाई साहब आगे से आती है ना, ये रेस के लिए कि क्या है आगे प्रशासन पर काला है जातिगणना प्रशासन करवाया भतीजा चोर है मार मुर्गा पान चाचा भतीजा चोर है पुलिस प्रशासन मुर्गा पान चाचा भतीजा हो। आप जिस पार्टी के लिए आवाज उठा रहे हैं वो राजभवन मार्च कर रहे हैं, आप पहुंच पाइएगा डर नहीं लग रहा है डर नहीं लग रहा है हाँ लाठी चार्ज होगा लाठी खाने के लिए तैयार है। अरे फिर उपेंद्र कुशवाहा दूसरे पार्टी में चल जाएंगे नहीं जाएंगे तभी तीन बार विलय कर चुके हैं। अच्छा पहले वाला भूल जाए अब रहेगा कल हाईकोर्ट रास्ते में पड़ता है सर, अदरवाइज हो जाएगा हम लोग को सर बुखार चला देगा। पांच आदमी सर चला जाए पांच आदमी सर राजभवन तो सबों के लिए खोलेगा नहीं सर, हम लोग मार जाएंगे सर। हाथियों की लड़ाई में घास सबसे बड़ा सफर होता है, हम लोग घासे हैं ना सर। हम शांति कर रहे हैं सर, सर जाने दीजिए सर, हम लोग पूरे तौर पे शांति नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी ऐसा ना करेंगे डिस्टर्ब हो कहीं रास्ते में कुछ ऐसा सर। सर सर काइंडली सर काइंडली सर साइड से आप लोग लीजिए ना, साइड से आप लोग लीजिए, अमिताभ बच्चन आप लोग साइड से लीजिए। अरे लड़का अरे क्या कर रहे थे तुम लोग, पूरे तौर पे प्रशासन सख्त हो गया और कहा गया कि किसी भी हाल में आपको नहीं जाने देंगे। अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने रोकने का काम किया, जहाँ तक हम अनुभव करते हैं सरकार के जो प्रशासन के जो अधिकारी लोग सरकार के इशारा पर काम करते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से हम गांधीवादी हम किसी को डिस्टर्ब इसी तरह से हम राजभवन तक जाना चाहते थे, यहाँ लोगों ने यहाँ रोका। अब प्रशासन के लोगों में तो इतना दम नहीं है कानूनी तरीके से लेकिन अरे तो मेरे ऊपर इल्जाम देता है ना, कैसे लगाए देखिए वोट विरोध करते हैं, सरकार की मंशा है हमारे देने की जनतांत्रिक अधिकार जो हमारा है, जनता की आवाज़ को हम पहुंचाने जा रहे थे। हमारी आवाज़ को दबाने का मतलब जनता की आवाज़ को दबा देना है, कोई आवाज़ हमारी नहीं दबेगी। हमने तो जो मांग रखी थी राज्य कैमरा छोटा आदमी है तो कैमरा में कहाँ से कुछ भी हमने ऐसा नहीं कहा है, राज्य की सरकार से जहाँ एक और हम लोग मांग रहे ठीक है वही हम भारत की सरकार से भी बार बार ऐसे करिए, भारत की सरकार से क्या कर रहे हैं जनगणना कराए, यह हमारी मांग है। और राज्य में राज्य की सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना करा लिया, जातीय जनगणना के साथ
इन्होंने कहा कि हमने आर्थिक रिपोर्ट भी नहीं, तो नीचे कीजिए आप लोग। इन लोगों ने ले लिया, इन लोगों ने लगता है कहीं घर में बैठकर और आंकड़ा बना लिया है कहीं से, इन लोगों का आंकड़ा सही नहीं है। अब आप अपने बारे में, जो भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग भी बताइए, आप लोगों के बारे में किसी ने जाकर आपसे पूछा कि कितनी संपत्ति आपके पास है, कितना बैंक अकाउंट में पैसा आपके पास है, कितना गांव में और शहर में आपकी संपत्ति है, किसी ने नहीं पूछा कैसे गया। जो भी आंकड़ा इनका है फर्जी है, गलत है। हम महामहिम से जा रहे हैं आगरा, महामहिम हस्तक्षेप, कितने लोग जा रहे हैं, राज्य की सरकार अविलंब इन आंकड़ों को दुरुस्त करने का रास्ता निकाले और फिर से अंतिम रूप से दुरुस्त आंकड़ा जारी।